दोस्तों आज हम आपको लेके आए अरियन टेक्सटाइल में, जो कि है चांदनी चौक के चिड़ियाखाना में। और ये आज हम आपको बताएंगे बिजनेस कैसे करना है, कैसे सक्सेसफुल होना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, पहले भी आपकी वीडियो बनाते आए हैं जी। सबसे ऊपर शायद आप ही की वीडियो चल रही है, 40 लाख व्यू आए थे, 40 उसके बाद भी लाखों में व्यू आए हैं आपकी वीडियो पे, बहुत चलती है आपकी वीडियो। तो पहले तो क्वेश्चन मेरा यही है आज आपसे कि वीडियो बहुत बनाते हैं हम जी, आपकी वीडियो बहुत देखी है, ये सूट इतने का है, 100 रुपए का है, 70 रुपए का है, 200 रुपए का है। ठीक, मेन चीज जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि 100 वाला सूट कितने में बेचे, कैसे बेचे। बिल्कुल ठीक, आप तो बेच लेते हो, हमें बेचना थोड़ा ना आता है। सही बात है, वो बताइए आज। तो सर मतलब आज जो है ना, आज हमसे आप ये पूछना चाहते हो कि अगर कोई नया आदमी काम करता है तो उसको हम कैसे जो है सपोर्ट करें। आप वाले ट्रिक समझाओ ना। बिल्कुल ठीक है, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो मोटिवेशनल वीडियो होती है ना उसके अंदर ना एक छोटी सी टेक्निक होती है। सर मैं आपको बता देता हूँ, आज जैसे क्या होता है, कोई भी चीज होगी, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चप्पल हो, चूड़ी हो, कोई भी चीज है, वो ना एक टेक्निक है काम करने की, व्यापार करने की टेक्निक है। देखो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, इसके अंदर मैं अपना एक भी सैंपल आपको नहीं दिखाऊंगा, मुझे अपने माल की पब्लिसिटी नहीं करनी। जो आपने क्वेश्चन करा है ना, ये बड़ा काम का क्वेश्चन है, इसी का आंसर दूंगा कि अगर कोई हाउसवाइफ है, आदमी कैपेबल है, कुछ भी है, मतलब अगर कोई नया आदमी है तो वो काम कैसे करे। माल बेचने का तरीका मैं आपको आज बताता हूँ। लोग जैसे आपने कहा कि आप अपना माल तो बेच लोगे, हम कैसे माल बेचेंगे, तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सर देखो मैं जो आपको सूट दिखाऊंगा ना, जैसे हमारा ये पीस क्या है, 70 रुपए का है, ये पीस मैं 70 रुपए के अंदर देता हूँ, मेरा एक ही रेट रहता है। आपने मेरी जो 2 साल पहले वीडियो डाली थी ना भाई साहब, उसके अंदर भी ये सूट मेरा 70 रुपए का था। हाँ। उस टाइम मैं इस आइटम के ना डेली के 600 पीस बेचता था। 2 साल के अंदर मेरी सेल इतनी इंक्रीज हो गई, मेरे माल की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया निकली, आज मैं इस आइटम के डेली के 2200-2300 पीस अपनी फैक्ट्री में बनाता हूँ। मेरा बड़ा भाई है, वो मेरी प्रोडक्शन देखता है, ठीक है, और जो है 2200-2300 पीस बना रहा हूँ, मेरा आज भी रेट इसका 70 रुपए है। देखो इसका बेचने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये सूट मेरा 70 रुपए का, आपको इस आइटम को 100 रुपए के अंदर सेल कर देना है। सर सर देखो व्यापार की टेक्निक है, टेक्निक क्या होती है, आज हर चीज़ का ना एक तरीका होता है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना भाई साहब, सबसे पहले पहला स्टेप रखते हैं, फिर दूसरा स्टेप रखते हैं, तो हम पहली मंजिल पर 5वीं मंजिल पर भी पहुंच जाते हैं। मैं आज क्या तीसरा स्टेप रखूंगा ना तो शायद गिरने की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है ना, तो वो तरीका नहीं चाहिए। ठीक है, देखो सूट मेरा क्या है, 70 रुपए का है, 100 रुपए की सेल में आपको डाल देना है। ये जो आइटम होती है ना सर, ये आइटम क्या है, ये होती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को खींचने के लिए। तो आपको ना देखो, आपको व्यापार के अंदर ना पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी, जो पॉलिटिक्स होती है, आप दुकान खोलोगे, आपको एक अपना ना एक छोटा सा सेक्शन, छोटा सा एक काउंटर आपको देना है कि 100 रुपए की सेल है, 100 रुपए का सूट दूंगा गारंटी वाला, और जिसके अंदर कलर निकल जाए तो 10,000 रुपए इनाम। ये मैं अपना रेट नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी दुकान पे क्या रेट बेचोगे। ठीक है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है सर, देखो आप हमारे पास ना कोई भी कस्टमर है जो नया आदमी है, सिर्फ शर्त एक ही है, ये काम जो है ना कपड़े का काम, ये थोड़ी सी मेहनत मांगता है, थोड़ी सी, दिन में 4 घंटे काम कर लो बस, और कुछ भी नहीं है। आपकी उम्र 28 साल है, 38 साल है, 58 साल है, 68 साल है, कोई भी उम्र का आदमी से काम कर सकता है। ये बैंक की नौकरी नहीं है कि 28 साल के बाद आप पेपर नहीं दे सकते, ऐसा कोई नहीं है। दूसरी बात, मैं जो आपको कपड़ा दिखाऊंगा ना भाई साहब, हमारे कपड़े की जो है ना कोई एक्सपायरी नहीं होती, इसकी जो है, आज हम ब्रेड खरीदते हैं बेस्ट बिफोर होता है, बेस्ट बिफोर 3 डेज। खाने की दुकान खोलो, छोले भटूरे की प्लेट है सर, रात को नहीं बिकती तो नाली में फेंकना पड़ता है माल, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये सूट मेरा 250 रुपए का सूट है, आज नहीं बिके कल बेच लो, कल नहीं बिके परसों बेच लो, 3 महीने ना बिके 6 महीने बाद बेच लो, जैसी बात है। देखो रोटी कपड़ा और मकान, किसी भी आदमी की जो जरूरत होती है ना, सबसे पहले 3 चीज की जरूरत है, उसके बाद वो मोबाइल खरीदेगा, बढ़िया ब्रांडेड जूते खरीदेगा, सब चीज क्या है बाद में खरीदेगा, गाड़ी है, बाइक है, अय्याशी करनी है, सब चीज बाद में करेगा, 3 चीज सबसे पहले है। तो कपड़े के अंदर पहली बात तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, अगर आप माल खरीदते हो तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास डेली के ना 30 कस्टमर ऐसे आते हैं जो नए होते हैं, और उसमें से 20-25 कस्टमर हमेशा हमारे पास परमानेंट बन जाते हैं सर। जो 5 कस्टमर सर हमारे यहाँ से ना आगे नहीं हो पाते कंटिन्यू, उसका रीजन बता देता हूँ, उसको अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है ना। इस काम के लिए थोड़ा सा आदमी कैपेबल चाहिए, थोड़ा सा कैपेबल हो मतलब थोड़ा सा काबिल हो बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी काम तरीका कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। आज आपको ना देखो इतनी वीडियो आती है सर यूट्यूब पे, डेली वीडियो पोस्ट होती है, लोगों का ना एक स्टाइल होता है सर, स्टाइल क्या होता है, भाई साहब देखो मैं ये पीस दूंगा, ये पीस है मेरा 250 रुपए का, ले जाओ बहुत अच्छा है, ये पीस है भाई साहब मेरा 105 रुपए का, ले जाओ बहुत अच्छा है। हमारा वो स्टाइल नहीं है, मैं इस वीडियो को
पीस नहीं दिखाना, मुझे इस पीस पे फोकस करवाना ही नहीं है कि मेरे 105 रुपए का पीस है। देखो सबसे पहले ना, ये जो 105 रुपए का पीस आप लोगे ना मेरे से, इसको बेचना कैसे है ये मालूम होना बड़ा जरूरी है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका एक्सपीरियंस 15 साल का हो जाएगा अगर इस वीडियो को देखोगे तो। चैलेंज है, आज कश्मीर की कोई पार्टी आती है सर, मेरे पास कल भी कश्मीर की दो पार्टी आई, अनंतनाग की पार्टी आई, वो मेरे को कहते हैं सर मैं बिगेनर्स हूँ, ठीक है मेरे को 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तरीका बताइए कैसे। तरीका मैंने उनको बता दिया, कश्मीर के अंदर जो भी सूट चलेगा ना उसकी टॉप की जो लेंथ होती है 45 लेंथ, सुनो बात को, कश्मीर के अंदर एक कंडीशन अप्लाई है। पंजाब का कस्टमर आता है, हम उसे बता देते हैं पंजाब में अगर आपको सेल करना है किसी भी शहर में या किसी भी गांव में, आपके लिए मस्ट है सलवार का साइज कम से कम 2.5 मीटर होना चाहिए, मीटर से चेक करके 2.5 से 2.75 मीटर तो आपके यहाँ पे सूट चलेगा। आज अगर मैं पीस 150 रुपए का दूंगा, 250 की जगह 150 का दूंगा, सलवार का साइज छोटा होगा ना तो पंजाब का कोई आदमी बेच नहीं पाएगा। तीसरी चीज समझ लो सर, हरियाणा का कस्टमर आता है, हरियाणा के कस्टमर को टॉप का साइज कम से कम 2.25, सलवार का साइज कम से कम 2.5 मीटर, ठीक है ना। और वहां पे क्या सर, वहां पे चमक दमक नहीं चलता, वहां थोड़े से देसी सूट चलते हैं, प्रिंटेड सूट चलते हैं, 5 मीटर वाले ऑल ओवर चलते हैं। तो ना ये जो नॉलेज होती है ना सर, ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको कोई नहीं देगा। वीडियो के अंदर एक ही चीज होती है, भाई सर मेरा सूट है 200 रुपए का ले जाओ बहुत सस्ता है, ये 500 का ले जाओ बहुत सस्ता है। देखो आज ना एक बात समझो, हम जो आपको आइटम देंगे, हमारे यहाँ पे ना पोस्ट ऑफिस वाला हिसाब है, बैंक वाला हिसाब। बैंक में क्या होता है, आपकी कैपिटल होती है सेफ, कैपिटल का मतलब आपकी पूंजी है सेफ, मार्जिन मिलेगा कम, लिमिटेड मुनाफा, जायज मुनाफा। मेरे पास आओ, मेरा नाम सुमित जैन है, मेरी चांदनी चौक के अंदर चीरेखाने में दुकान है, मैं अरिहंत टेक्सटाइल का प्रोप्राइटर हूँ सर। कभी भी यहाँ पे आओ, सुबह 11 बजे मेरी दुकान खुलती है, नया आदमी आए कोई भी आए कहीं से भी आए, सबको 100% सेटिस्फाइड करके भेजूंगा, मेरी गारंटी है। आओ मेरे से मिलो, उसको ऐसा सेल्समैन दूंगा, खुद बिठा के उसको अटेंड करूंगा, ठीक है ना, ऐसा लड़का दूंगा, सब अटेंड करेंगे उसे, अच्छी तरह दिखाएंगे, कपड़े की नॉलेज भी देंगे, क्या रेट में बेचना ये भी बताएंगे, और उनकी सिटी के अंदर क्या बिकता है ये भी बताएंगे, कि प्रेफर करेंगे कि आप यही आइटम लेके जाओ तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। भाई सर ये बस समझो, थोड़ा सा आदमी काबिल चाहिए बस, माल बेचना बहुत ईजी है सर, कुछ भी नहीं है। अच्छा हमसे ऑनलाइन व्यापार भी कर सकते हो सर, ऑनलाइन के लिए देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर है सर, कभी भी मेरे से डीलिंग करो मैं आपको व्हाट्सएप पे सैंपल भेजूंगा, और कोई बाउंडेशन नहीं है, माल आप 5,000 रुपये का भी ले सकते हो सैंपल के तौर पे। जो आदमी आपको बोलेगा ना कि कम से कम 40,000 का माल चाहिए, ट्रांसपोर्ट में माल नहीं जाता, वो सब गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, 5,000 का माल भी ट्रांसपोर्ट के अंदर आराम से जाता है, ठीक है ना। और कोई भी आदमी सर काम कर सकता है, कम कैपिटल से काम कर सकता है, हमारे जो कपड़े का काम है ना 10,000 रुपये की लागत से आदमी स्टार्ट कर सकता है। कभी भी आ जाओ सर, मिल लो मेरे से, 100% सेटिस्फाइड कर देंगे, वैरायटी मिलेगी 70 रुपये से लेके 850 रुपये तक की रेंज। ये वीडियो सिर्फ इसीलिए है, मुझे अपने माल की पब्लिसिटी नहीं करनी, माल की ऐड नहीं करनी सर, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, इस सीट को आप फोकस बिल्कुल मत करना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो आदमी कैपेबल है, थोड़ा सा काबिल है, जिसके अंदर हुनर है कुछ करने का, जो 4 घंटे दिन में मेहनत कर सकता है, वो मेरे पास आ जाओ, घर पे खाली मत बैठो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो सर्विस मैन हो, चाहे वो अभी खाली हो। हमारे पास ना ऐसे 50 से ज़्यादा एग्जांपल है सर, हम ना वीडियो में ऐसा शो नहीं करते हैं। बिहार के, वेस्ट बंगाल के, हर जगह के बहुत सारे कस्टमर आए जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, घर में माँ है, बाप है, भाई है, भाभी है, पूरी फैमिली है, सबको छोड़ दिया, सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, सालों से वहीं पे है, 5-5 साल है, घर वालों की शक्ल नहीं देखी। भाई साहब सर समझो बात को, आप अगर काम कर सकते हो ना, यहाँ पे आओ, जो 50,000 रुपये आदमी कमाता है ना महीने के, चैलेंज करता हूँ 70,000 रुपये कमाएगा अगर मन से काम करेगा और अगर मेरे स्टाइल से चलेगा तो। ये वीडियो सिर्फ यही है कि आदमी काम करे, ठीक है ना, खाली ना बैठे, काम करे, काम करेगा दिमाग फ्रेश रहेगा। देखो दिमाग जो है ना, सुनो मेरी बात को, दिमाग क्या होता है, जितना यूज करोगे ना उतना शार्प हो जाएगा। ये पेंसिल नहीं है कि पेंसिल छिली तो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, दिमाग यूज करो उतना शार्प हो जाएगा, व्यापार में हमेशा तरक्की मिलेगी। और आप एक बात और समझो, लोग कहते हैं कि हम ना अपने बच्चे को नौकरी कराएंगे, ऐसी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, कहते हैं सर हमें तो जॉब करवानी, हमें बिजनेस नहीं करना। भाई साहब जॉब कहाँ से आती है? आज एक आदमी दुकान खोलता है, उसके अंदर 15 लेबर काम करती है, तभी तो जॉब आएगी। अगर व्यापार ही नहीं होगा तो जॉब कहाँ से आएगी? जैसी बात है, आज जेट एयरवेज की फ्लाइट बंद हो गई, उसके अंदर 1,000 कर्मचारी निकल गए, तो जॉब हट गई ना, क्योंकि एक बिजनेसमैन फेल हो गया। तो व्यापार करोगे तभी तो जॉब दे पाओगे आप। तो आज के लिए सिर्फ छोटा सा ज्ञान था, ये जो वीडियो है ना सर, ये इसलिए है, व्यापार की ट्यूशन।
आज बच्चा पढ़ता है ना, वकील बनता है, सीए बनता है, जज बनता है ना, उसकी ट्यूशन होती है हर चीज की। तो व्यापार की ट्यूशन है 10 मिनट की। सीए बनना है तो 5 साल की फाउंडेशन करनी पड़ेगी। पहले सीए फाउंडेशन करो, फिर पेपर दो, फिर प्रैक्टिस लो, फिर पास हो तो सीए बनोगे। हमारे यहाँ पे 10 मिनट की ट्यूशन लो, 15 साल का एक्सपीरियंस आपकी जेब में, और व्यापार करो खुले में। रिस्क कुछ भी नहीं है क्योंकि कपड़े की एक्सपायरी नहीं है, समझ गए? तो छोटी सी ज्ञान है सर, ये आज का ज्ञान था हमारा। सर आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो माल की पब्लिसिटी करेंगे ना उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे सर। चलिए फिर खत्म करते हैं आज की वीडियो। सलाम।